हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सीरीज़ है बेसिक सी प्रोग्राम्स की, जहाँ पर मैं सी लैंग्वेज की बहुत ही बेसिक प्रोग्राम को लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ और हर एक लाइन का मतलब बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपने अभी तक मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में मैंने क्या क्या कवर किया है। लेट मी टेक यू टू दैट प्लेलिस्ट। सो मैंने वो प्लेलिस्ट खोल रखी है, ये वही प्लेलिस्ट है दोस्तों बेसिक सी प्रोग्राम्स की, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया है और लेवल को इंक्रीज करते करते मैंने हर एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको समझाया इस प्लेलिस्ट में आप उसे जरूरी देख लें, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो आइए चलते हैं वापस, और आज के इस वीडियो का मोटिव यही हमारा कि आज हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं फिर से, आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ एक प्रोग्राम के साथ। तो हमने लेवल को इंक्रीज किया है और अब हम पहुँच गए हैं दोस्तों स्टार्ट पैटर्न के प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो आज स्टार्ट पैटर्न का पहला प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पर अपन हाफ पिरामिड प्रिंट करने वाले हैं, काइंड ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ स्टार। तो स्टार से अपन ये हाफ ट्राइंगल अपन प्रिंट करने वाले हैं सी लैंग्वेज की मदद से। हमारा कुछ ऐसा फ्लो होने वाला है दोस्तों, जहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लॉजिक बताऊँगा, फिर कोड लिखूंगा मैं खुद से और इस कोड को समझा करके ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या होने वाला है, एंड देन फिर मैं उस कोड को रन करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिमिलर आउटपुट अपने को मिल रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं कंपाइलर के पास। तो दोस्तों, मैं अपने केस में VS कोड एडिटर यूज़ करता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को कोड को लिख पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑटो सजेशन मिल जाता है, बहुत सारे कोड को बहुत इजीली और कम समय में मैं लिख पाता हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, मे बी टर्बो C++ या कोई और, तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे फोकस करना है कि मैं क्या लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ और किस तरीके से कोड को टैकल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जो कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप अपने कंपाइलर में उसे इजीली रन कर रहे होगे और सेम आउटपुट आपको मिलने वाला है। मैं आपसे ये छोटी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोड को स्टार्टिंग में कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप सबसे पहले समझें इस चीज़ को और मेरे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और फिर सारे लॉजिक को अच्छे समझें। जो मेनली फोकस जो आपको करना है कि जब मैं ड्राई रन करूँगा उस टाइम आपको फुली फोकस रह के रहना है कि मैं किस तरीके से ड्राई रन कर रहा हूँ, और सेम प्रोसीजर आपको खुद वो ऐसी हैबिट बनानी है और आपको इस तरीके से ही हर एक कोड को आपको ड्राई रन करके देखना है कि आपने जो लॉजिक क्रिएट किया है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो *1 मैं कर देता हूँ .cpp इसलिए क्योंकि इस कोड को अपन सी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, तो इसलिए .cpp विल बी द एक्सटेंशन एंड वी नीड टू राइट सम बेसिक कोड फॉर सी प्रोग्रामिंग। सो मैंने वो कोड लिख लिया, यहाँ पे एक हेडर फाइल मैंने ऐड किया है studio.h जिससे अपना कोड रन होगा, एंड फिर रिटर्न जीरो इसलिए क्योंकि इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर, इसलिए रिटर्न जीरो मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लॉजिक को समझते हैं, स्टार्ट पैटर्न का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या किस तरीके से इस प्रोग्राम को टैकल करने वाले हैं। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको व्हाइट बोर्ड में और वहां मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके का प्रोग्राम, किस तरीके से अपन इसको टैकल करेंगे और लॉजिक कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास लेट सपोज यूजर, अपने को सबसे पहले यूजर से अपन वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू किस चीज़ के लिए लेंगे, रो के लिए लेंगे कि रो कितनी रो होनी चाहिए, है ना। ये जो स्टार्ट पैटर्न कर रहे हैं रो, लेट सपोज कि 4 रो का स्टार्ट पैटर्न अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो रो मीन्स क्या, कि मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अपने पास कोई एक टेबल है ना, ये एक टेबल है, तो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ फिर समझाऊंगा कि रो क्या है एंड देन कॉलम क्या है ना। तो ये 4 कॉलम की एक टेबल मैंने क्रिएट की है और जहाँ पे अपने पास 4 रो भी है ना। तो ये पहला रो है हमारे पास, दूसरा रो, तीसरा रो एंड चौथा रो है ना, चौथी रो भी है। ये कॉलम हम अपने पास, तो सेम 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये काइंड ऑफ क्या है दोस्तों, ये 2D अरे है। अगर आपको 1D अरे की नॉलेज है तो आप यहाँ पे इजिली समझ पा रहे होंगे। और हमने क्या बोला है दोस्तों कि n की वैल्यू 4, n मीन्स व्हाट, n मीन्स ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, अपने कितने नंबर ऑफ रोज रखना चाहते हैं, तो 4। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में समझाने के लिए मैंने 4 रो ले लिया है, तो इसलिए अपने पास क्या होगी दोस्तों, 4 रो की ये टेबल होगी अपने पास, है ना। और ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पैटर्न है हमारे पास, ये पैटर्न जो है स्टार का, ये ट्राइंगुलर काइंड ऑफ पैटर्न है, ये इसको पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास 4 रो का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ होगा कि फर्स्ट टाइम में *1 होगा, सेकंड टाइम में क्या होगा 2, थर्ड टाइम में 3 एंड फोर्थ टाइम में कितने स्टार, 4 stars। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं क्या, कि जो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में जब अपन फर्स्ट रो पे हैं तो कितने स्टार हो रहे हैं, 1, जब सेकंड रो पे हैं तो कितने हो रहे हैं, तो 2, और थर्ड रो पे हैं तो अपन 3 अपन प्रिंट कर रहे हैं, और फोर्थ रो पे हैं तो 4 है ना, 4 प्रिंट कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ क्या है दोस्तों कि अपन जब लूप को इटरेट कर रहे हैं, मैं आपको कोड लिख के समझाऊंगा ये लूप इटरेशन क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब कोड लिखूंगा आपको पता चलेगा कि जब अपन फर्स्ट वाले लूप पे हैं, फर्स्ट रो पे हैं
इंडेक्स वैल्यू अभी क्या है, लेट्स सपोज अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर जीरो इंडेक्स पे है तो क्या कर रहे हैं अपन, एक ही स्टार प्रिंट कर रहे हैं ना, और अगर सेकंड पे है तो दो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टार अपन प्रिंट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, तो अपन किस वाले रो में है। अगर अपन सेकंड रो पे हैं तो दो स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तीन पे हैं तो फिर से थ्री स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, और फोर है तो फोर। इसी तरीके से अगर वैल्यू हमारा कुछ और आ जाता है, लेट्स सपोज सिक्स, तो ऐसे ही सेम तरीके से सेम वे से अपना बढ़ता जाएगा। तो लेट्स सपोज कि सिक्स, अगर रो नंबर सिक्स पे कंपाइलर अपने अपना कंपाइलर पहुंच गया है, तो जब इस वाले रो पे आएगा तो क्या होगा, कितना स्टार प्रिंट करेगा, तो सिक्स स्टार प्रिंट करेगा, है ना। तो थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज इज नाउ फोर, फोर के केस में आपको समझा रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है। अब कोड की लैंग्वेज में इसको फिर से कोड लिखूंगा। अभी तो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि लॉजिक किस पे डिपेंडेंट है, कि अगर फर्स्ट रो पे हैं तो अपन एक ही स्टार प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड रो पे हैं तो दो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। इस चीज पे आप फोकस करें कि जिस वाली रो पे हैं, लेट्स सपोज कि थर्ड रो पे हैं, तो तीन स्टार प्रिंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज यहां से अपने को मिलने वाला है ना। और तीन रो अपन कैसे प्रिंट करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप में वैल्यू वन से लेकर के कहां तक चलाने वाले हैं, कहां तक, थ्री तक चलाने वाले हैं। तो थ्री से जब चलाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट स्टार, सेकंड टाइम में सेकंड स्टार, थर्ड टाइम में थर्ड स्टार, है ना। ये क्या है, ये इनर लूप होगा, ये इनर फॉर लूप होने वाला है ना। और ये जो रो अपने को बताने वाला है, ये क्या होने वाला है, आउटर फॉर लूप, जो मेन फॉर लूप अपना होने वाला है वो होने वाला है ना। तो इस तरीके से अपना कोड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको ले चलता हूँ कोड एडिटर में। ये जो मैंने लॉजिक समझाया है, मैं उसको कोड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, और फिर से मैं वापस आऊँगा, ड्राई रन करूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर एक लाइन को अच्छे से क्लियरली बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है दोस्तों, कि अपने पास यूजर की एक वैल्यू होगी, रो की वैल्यू, जो यूजर ने एंटर करना है ना। तो क्या लिखते हैं, उससे पहले क्या लिखते हैं, आई ले लेते हैं और जे ले लेते हैं, और फिर रो, रोज, ठीक है। आई और जे अपन यूज करने वाले हैं फॉर लूप में, आई यूज करेंगे ऑर्डर फॉर लूप, और जे यूज करेंगे इनर फॉर लूप के लिए। तो यहाँ पे अपन यूजर को मैसेज देते हैं, मैसेज क्या होने वाला है हमारा, तो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, ठीक है, स्पेस थोड़ी दे देते हैं, और इसी लाइन पे अपन उस वैल्यू, यूजर के द्वारा एंटर किया वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। एंड देन स्कैनफ फंक्शन से क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू ले लेंगे, परसेंट डी होने वाला है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे एम्परसेंट के साथ इसे किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो रोज वाले वेरिएबल अपन स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए रोज, उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, है ना। एम्परसेंट इसका एक्चुअल नाम क्या है, वैसे तो अपन एंड सिंबल बोलते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज, इस पोजीशन पे, इस जगह पे अपन क्या बोलने वाले, इसको एम्परसेंट बोलने वाले, है ना। एम्परसेंट बोला जाता है कोड की भाषा में, है ना। तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, हमने यूजर से वैल्यू ले लिया। अब मैंने जैसे बताया कि दो फॉर लूप की जरूरत है, अगर 2D अरे है, ये क्या है दोस्तों, 2D अरे है, एक रो के लिए फॉर लूप चलेगा और एक कॉलम के लिए चलेगा, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक रो वाइज फॉर लूप चलने वाली है और एक कॉलम वाइज, है ना, इस तरीके से। तो आइए सबसे पहले ऑर्डर फॉर लूप लेते हैं, ऑर्डर फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। तो आई हमने पहले से क्रिएट कर लिया, आई में वैल्यू अपन रखते हैं 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल्स टू रोज तक, यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है, और आई को प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, है ना, हर एक इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू को अपन प्लस प्लस करते रहेंगे। तो ये तो हमने ले लिया, ये अपने को इटरेट करते जाएगा जितना नंबर ऑफ टाइम लाइक रोज में जो वैल्यू है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अपन मेन स्टार प्रिंटिंग के लिए क्या करने वाले हैं, एक इनर लूप फिर से लेंगे, है ना। फॉर लूप लेते हैं यहाँ पे, फॉर लूप कहाँ से, जे की वैल्यू डालेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो जे की वैल्यू दोस्तों होने वाली है 1 से लेकर के अभी जो करंट वैल्यू चल रही है जे की, करंट वैल्यू आई की जो चल रही है वहां तक ले जाएंगे इसको, है ना। आई की जो करंट वैल्यू चल रही है, ये मैं लिखा हूं जे लेस देन इक्वल्स टू आई, मींस क्या कि आई में जो करंट वैल्यू चल रही है उतना ही नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करो। अगर आई की करंट वैल्यू, ये जो आई है ऑर्डर लूप, ऑर्डर लूप की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू अगर 2 है, तो इस फॉर लूप से क्या करने वाले हैं दोस्तों, अपन 2 ही स्टार प्रिंट करेंगे एक रो में, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट प्रिंट एफ, और थोड़ी सी स्पेस दे करके यहाँ पे स्टार लिख देते हैं और स्पेस दे देते हैं। तो अपने को क्लियरली हमने काम कर लिया है, ये बस इतना ही कोड है और कुछ भी नहीं, है ना। देख रहे हो आप, बहुत ही सिंपल सा कोड है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में ये थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी, अब देखो दोस्तों, हमने तो ये स्टार प्रिंट कर लिया, लेकिन हर एक रो के बाद क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि हर एक रो में जब अपन स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो फिर अब फिर से क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन से अपने को प्रिंट करके दे रहा है वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या होगा, प्रिंट करने के लिए सिंपली अपने को एक और एस्केप कैरेक्टर यूज करना होगा, जिसको बोलते हैं \n। तो इससे क्या होगा, अपन नीचे आ जाएंगे, जितना नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने वाला है किसी एक रो के लिए, वो तो हमने कर लिया, लेकिन हमने ये लगाया। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो इसको मैं दिखाऊंगा कि क्या इससे प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो सबसे पहले इस चीज को समझ ले, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर नहीं भी समझ में आई तो मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे ले जाकर के। सिंपली मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, है ना, और इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और फिर आपको ले जाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, और मैं आपको फिर से ड्राई रन करके दिखाऊंगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से अपना वर्क हो रहा है ना। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया है और परफेक्ट, है ना, ठीक है।
तो ये हमने कोड कॉपी कर लिया, मैं इसको साइड कर लेता हूँ और आइए एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैं हर एक वीडियो में जहां भी मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ दोस्तों, वहां पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले आप भी इसी तरीके से करें जब भी आई मीन लूपिंग का वर्क कर रहे हो, क्योंकि लूप में क्या है ना दोस्तों, वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और जब अपन ड्राई रन कर रहे हैं तो अपने को याद नहीं रहने वाला कि पिछली वैल्यू क्या थी आई की। तो इसलिए अगर अपन टेबल क्रिएट कर लेते हैं ना, आप अपने नोटबुक में भी इसी तरीके से करें। अगर आप इस चीज को अगर लूपिंग का कोई कोड लिख रहे हो तो एक टेबल जरूरी क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई और यहाँ पे लिखता हूँ जे और यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, है ना, प्रिंट है ना कि कितने स्टार प्रिंट होने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी टेबल और आई की वैल्यू 1 है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, रोज में वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। रोज जो अपन ने वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर ले सपोज अपने को 4 एंटर करता है। उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो कोड है दोस्तों, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आप अगर किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो वहां भी पूछा जा सकता है। और जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर सेम एक्सप्लेनेशन आप देते हो उस इंटरव्यूअर को तो परफेक्टली आप सिलेक्ट होने वाले हो। और यही नहीं, आप अपने एग्जामिनेशन में भी इसको लिखोगे, मे बी आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो आप इजीली इंप्रेस कर सकते हो कि किस तरीके से मैंने आपको डिबग करके दिखाया, आई मीन ड्राई रन करके बताया। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने रोज की वैल्यू क्या ले ली है 4 और यहाँ पे अपन ये लूप स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे कंपाइलर आएगा, इस लाइन ऑफ कोड को स्टार्ट करेगा। आई की वैल्यू 1 है और 1 क्या लेस देन इक्वल टू रोज, रोज की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब इनर वाले लूप को क्या करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। इस फॉर लूप में जाएंगे और यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है और जे इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू होगी, है ना। अगर आप इस कंडीशन को देखो, मैंने वैल्यू को जे और आई की वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ के ऊपर में लिख दिया हुआ है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो क्या होने वाला है, इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक स्टार क्या करने वाला है, सबसे पहले स्टार अपन प्रिंट कर देते, एक स्टार प्रिंट हो गया हमारा। अब जब ये प्रिंट हो गया तो क्या करने वाला है दोस्तों, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देने वाला है। तो मैं यहाँ पे आई और जे की वैल्यू लिख देता हूँ। जे की आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, अब क्या जे प्लस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब आई से 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू हमने अभी करंट की वैल्यू क्या चल रही है 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाले फॉर लूप को आप एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। अब इस वाले लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले चीज को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्लैश एन का मतलब क्या है कि अब स्टार, अगर आने वाले टाइम में स्टार क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे, सेम लाइन में नहीं प्रिंट करने वाले। तो अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पे इस वैल्यू, अब जो भी काम होगा नीचे होने वाला है ना। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब फिर से इटरेशन क्या होगा, फिर से इस वैल्यू को चेक करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये काम जब हमारा हो गया तो इसके आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। तो प्लस प्लस होने से क्या होगी, आई की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पे आई की वैल्यू को बदल देते हैं दोस्तों। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली सारी चीज़ें दिख जाएँ, है ना। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ये जो मैंने किया है अभी, है ना, और फिर देखते हैं। फिर तो आई की वैल्यू 2 हो गई, है ना, और फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या 2 is less than equal to 4। हाँ जी, कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर से अपन इस वाले लूप में आएंगे और आई की वैल्यू 1 है और जे में अभी जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज 1 से कर रहे हैं, तो अपने को ये इरेज करना होगा। फिर से जे का लूप अपन स्टार्ट करें तो इसकी वैल्यू को इरेज कर दे, फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे और 1 पे फिर से चेक करेंगे क्या 1 less than equals to क्या है जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2 है, करंट वैल्यू क्या चल रही है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, तो स्टार प्रिंट कर दो। चलो मैंने स्टार एक प्रिंट कर दिया। फिर से ये कंडीशन अब क्या करेगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर से आएगा, कंडीशन चेक करने वाला है यहाँ पे, तो आई अब क्या होगा, जे की वैल्यू अब 2 हो गई। तो क्या 2 less than equal to 2 है, लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू 2 है। तो फिर से एक स्टार प्रिंट करने वाला है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। इस लाइन को फिर से एक स्टार प्रिंट कर देंगे सेम ही रो में, तो 2 स्टार प्रिंट हो गया। अब फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। अब जैसे ही 3 हो जाएगी तो फिर से इसकी जे की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, क्या 3 less than equal to 3 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो इस वाले लूप को अपन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अब इस वाली लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से वही वर्क हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन में अपन शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब जो भी प्रिंट होगा अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट होने वाला है ना। आप इजिली फोकस करके देख रहे हो और मैं बहुत इजिली समझाते जा रहा हूँ, आप बस फोकस रहो और मेरे साथ बस बने रहो टिल एंड, मैं आपको क्लियरली समझाता रहूंगा। अब क्या हो गया, हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया दोस्तों, इस वाली लाइन को। अब फिर से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। जैसे ही 3 हो जाएगी तो यहाँ से फिर से चेक करेंगे आई की वैल्यू क्या होगी 3, क्या 3 less than equals to 4 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे और अब इस वाले लूप पे जैसे ही आएंगे तो आई जे 1 से स्टार्ट होने वाला, तो फिर से क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। जिस प्रकार मैं इरेज कर रहा हूँ वैल्यू को, उसी प्रकार आप भी इरेज करते रहना, है ना, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो अब जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, जे लेस देन इक्वल्स टू क्या होने वाला है, आई की वैल्यू करंट क्या चल रही है 3, है ना, यहाँ पे देख लो अब 3 चल रही है। तो 3 आई लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि कंडीशन तो ट्रू होगी। तो फिर से एक स्टार प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने एक स्टार प्रिंट कर लिया। फिर से जाएंगे जे को प्लस प्लस करेंगे, आई जे 1 थी, फिर जब जे की वैल्यू 2 होगी तो फिर से चेक करेंगे क्या 2 less than equals to 3 है, हाँ जी लेस देन है। तो फिर से इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, एक और स्टार प्रिंट कर देंगे, फिर से जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, 3 हो गई, और चेक करेंगे क्या अब फिर से चेक करने वाले हैं दोस्तों, क्या चेक होने वाला है यहाँ पे, क्या
थ्री लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, थ्री लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू थ्री है, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी और फिर से इसी लाइन को अपन एग्जीक्यूट करने वाले, एक स्टार और प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो गया और फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू फोर हो जाएगी। जैसे ही जे की वैल्यू फोर हो गई तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यहाँ पे फोर लेस देन इक्वल्स टू थ्री यानी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये फॉर लूप अब एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब इस वाली लाइन पे अपन आएंगे और फिर से टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम में एक स्टार, सेकंड टाइम में दो स्टार और थर्ड टाइम में थ्री स्टार प्रिंट हो गया है। अब क्या हो गया, जब इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो अब आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू फोर कर देते हैं, ठीक है फिर से मैं इरेज कर लेता हूँ और फिर से अपन चलते हैं एग्जीक्यूशन में, तो यहाँ इस वैल्यू को भी अपन इंक्रीज लाइक इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक आई के लिए इटरेशन के लिए वैल्यू चेंज होता जा रहा है। तो अब क्या है, जे आई की वैल्यू क्या है, फोर है ना, तो क्या फोर लेस देन इक्वल्स टू फोर है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू फोर है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो इस वाले फॉर लूप को अपन एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे जे की वैल्यू वन इनिशियलाइज करते हैं और वन लेस देन इक्वल्स टू फोर करेंगे, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से एक स्टार प्रिंट कर देंगे अपन यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ये जे प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू टू हो गई, टू फिर से क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल्स टू फोर, ये ट्रू होगी कंडीशन, फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर से जे की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे देख रहे हो आप, इंक्रीज हो गई, तो इसलिए मैंने थ्री कर दिया, तो यहाँ पे फिर से थ्री होगी, तो इसकी वैल्यू तो थ्री लेस देन इक्वल्स टू फोर है, कंडीशन ट्रू होगी, तो एक और स्टार प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक और स्टार हमने प्रिंट कर दिया। अब फिर से क्या होने वाला है, जब स्टार प्रिंट कर दिया तो जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, फोर हो जाएगी, और यहाँ पे जब हमने फोर कर दिया वैल्यू, तो यहाँ फिर से कंडीशन चेक करेंगे दोस्तों, कंडीशन क्या होने वाला है, फोर लेस देन इक्वल्स टू फोर, फोर तो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू फोर है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो एक और स्टार प्रिंट कर देंगे, इस टाइम चार स्टार हमने प्रिंट कर दिया है ना, और जे की वैल्यू फिर इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा हो गया फाइव होगी वैल्यू जे की। अब जब फाइव अपन इस कंडीशन को चेक करने वाला है, अगर यहाँ पे कंडीशन अपन चेक करें फाइव के लिए, तो क्या फाइव लेस देन इक्वल्स टू, आई की वैल्यू क्या चल रही है, फोर इक्वल्स टू फोर है, ना ही लेस देन है और ना ही इक्वल टू है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस वाले फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इस वाले लाइन को अपन एग्जीक्यूट कर देंगे, टर्मिनेट होकर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू क्या होने वाली है, फाइव, तो हमने ये काम कर लिया है। अब इसको रेज करते हैं, फिर से कंडीशन चेक करेंगे किसके लिए, आउटर लूप के उसकी कंडीशन अपन चेक करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, अब फाइव, क्या फाइव लेस देन इक्वल्स टू फोर है, नहीं जी, इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुए, तो जैसे कंडीशन ही ट्रू होगी तो ये चीज अब कोई भी काम का नहीं रहा और एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा लाइन हमने ड्राई रन कर दिया और हमारा इस प्रकार से कुछ हमारा आउटपुट में प्रिंट होने वाला है। तो मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया है, आप रोज की वैल्यू कुछ भी लो और सेम तरीके से एग्जीक्यूशन होने वाला है बैकग्राउंड में। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट में आने वाला है। मैंने आपको कोड समझा दिया, यही मेरा एक तरीका है कि सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ एंड देन फिर आउटपुट में देखता हूँ कि क्या जो हमने समझाया क्लियरली सेम आउटपुट आया है या नहीं। तो आइए रन करते हैं, रोज की वैल्यू फिर से अपन क्या करने वाले हैं, फोर ही डालने वाले हैं और फिर देखेंगे आउटपुट में अपने को क्या मिला है। ठीक है दोस्तों, तो वेट कर लेते हैं, कंपाइलर को टाइम देते हैं और फिर ये अपने को मैसेज प्रिंट करेगा कि हाँ भाई रोज की वैल्यू डाल दो, तो मैं फोर ही डालने वाला क्योंकि हमने ड्राई रन में वैल्यू भी फोर ही लिया था। आप देख पा रहे हो कि परफेक्टली एकदम साइनी साइनी स्टार अपने को प्रिंट हो रहा है, जो हाफ पिरामिड हमने प्रिंट किया है, ट्राइंगल कह लो, तो कितना बढ़िया प्रिंट हो रहा है ना दोस्तों। अगर मैं फिर से इसकी वैल्यू को टर्मिनल को क्लियर करके मैं 10 वैल्यू देता हूँ, 10 के लिए भी इसी सेम वे में स्टार पैटर्न प्रिंट करेगा, देख रहे हो 10 के लिए भी वैल्यू इस तरीके से प्रिंट कर रहा है साइनिंग स्टार। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पता लग जाता है कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, जहां क्योंकि मैं भी दोस्तों मैं बिगिनर लेवल से मैं भी आया हूं, तो मुझे पता है कि कहां पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, सेव कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर आप कॉलेज डेज में हो या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो हर जगह पे आपको हेल्प होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, बग से रिलेटेड कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर हर एक चीज़ पे आपको वीडियो मिलने वाली है। स्लोली स्लोली मैं अपलोड करता जाऊंगा, है ना। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने आपको बताया अभी कि ये जो प्लेलिस्ट है बेसिक सी प्रोग्राम्स की, इसे जरूर ही चेकआउट कर लें। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अभी आई बटन पे भी ये शो हो रहा होगा, ये लिंक वहां भी आप क्लिक करके सेव कर लाऊं। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आया हो जिस तरीके से मैंने मेहनत करके आपको बताया है, तो जरूरी आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगा कि आप मैंने बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ाया है, तो आप किसी और बंदे को भी आप अपने दोस्त को भेज सकते हो इस वीडियो को, इस चैनल को आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर एक वीडियो को वो भी चेकआउट करें और देखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में एक नए स्टार पैटर्न के साथ, और आप मेरे इस चैनल में बने रहिए, हर एक वीडियो को आप अंत तक देखें तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।